Hey guys, welcome back everyone. मैं हूं अंश और आज मैं अपनी इस नई टेक की वीडियो में लेकर आपके पास Hyundai का सबसे नया मॉडल जो है Xcent Facelift। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं इसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, फिर हम बात करेंगे इसके कुछ प्राइस वेरिएंट्स के बारे में और फिर हम जाएंगे इसके मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि इसका पेट्रोल के लिए और डीजल के वेरिएंट्स के लिए नेक्स्ट 5 या 6 ईयर्स तक के लिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहता है। तो गाइस शुरू करते हैं सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन से। तो इसके स्पेसिफिकेशन से पहले, जैसे कि आप अपनी सामने पिक्चर्स देख सकते हैं कि इसमें मैंने काफ़ी अच्छी और कूल गैलरी इसमें आपके सामने डिस्प्ले की हुई है इंटीरियर और एक्सटीरियर की। तो गाइस अब हम शुरू करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन से। तो गाइस इंजन और ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो इसमें डिस्प्लेसमेंट सीसी जो है वो 1200 सीसी है और इसका इंजन टाइप जो है वो 1.2 कापर ड्यूअल VT इंजन इसमें पेट्रोल वेरिएंट लग गया है। इसका ड्राइवर टेरिंग जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है और साथ ही साथ इसमें जो फ्यूल टाइप है वो पेट्रोल है पेट्रोल वेरिएंट्स के लिए, वेरस अगर आप डीजल में जाते हैं तो इसमें आपको डीजल मिलता है। सो अगर मैक्स टॉक की बात करें तो इसके में मैक्स टॉक है 114 Nm और इसका मैक्स पावर है 82 BHP। सो इसमें सिलेंडर्स 4 दिए गए हैं इनलाइन सिस्टम के साथ और इसमें जो ट्रांसमिशन टाइप है वो ऑटोमेटिक है विद 4 स्पीड ऑफ गियर्स। सो सस्पेंशन एंड ब्रेक्स की बात करी जाए तो इसमें सस्पेंशन जो है वो मैक फर्सन स्ट्रट और रियर सस्पेंशन है वो कपल टॉर्शन बीम एक्सल है, यानी कि ये अगर बेहतर हो सकता था तो इसमें आपको जर्क्स और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको कम महसूस होती। सो अगर फ्रंट ब्रेक टाइप की अगर बात करी जाए तो इसमें जो डिस्क फ्रंट ब्रेक टाइप जो है वो इसमें डिस्क रहता है और एज यूजल रियर ब्रेक टाइप जो है वो ड्रम रहता है। सो स्टीयरिंग टाइप जो है वो इसका पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक है और इसमें आपको मिलता है 4.8 मीटर्स का टर्निंग रेडियस, जिसमें कि अगर हम बात करें व्हील्स एंड टायर्स की, तो व्हील्स की बारे तो इसमें व्हील्स रहते हैं एलॉय व्हील्स लोअर हायर मॉडल्स में, और लोअर मॉडल्स में इसमें रहते हैं स्टील के व्हील्स। सो इसमें जो स्पेयर व्हील जो इसमें दिया गया है, यानी कि जो पांचवा टायर होता है एक्स्ट्रा जो दिया जाता है, वो अब इन गाड़ियों में स्टील का दिया गया है, चाहे आप लोअर मॉडल लें चाहे आप बहुत ज़्यादा हायर मॉडल लेते हैं। तो गाइज अगर हम बात करें कि इसकी कैपेसिटी क्या क्या रहती है, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो बूट स्पेस इसका 378 लीटर्स रहता है और इसकी टैंक फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो 37 लीटर्स है। सीटिंग कैपेसिटी इसमें 5 जन इसमें आराम से बैठ सकते हैं और इसकी विड्थ भी काफ़ी अच्छी खासी दी गई है, जिससे कि आराम से पीछे 3 एडल्ट या 3 to 4 एडल्ट इसमें पीछे बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ सीटिंग रोज जो है वो एज यूजल हर सेडान में फ्रंट एंड रियर यानी कि 2 रोज होती हैं और इसकी जो फीचर्स जो हैं वो सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, यानी कि चाइल्ड सीट एंकरिंग पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग एंड एयर बैग जो है वो इसमें 2 दिए गए हैं ड्राइवर्स एंड को ड्राइवर्स के लिए, और जो ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन सिस्टम जो है वो इसमें ABS, EBD और BA दिया गया है, यानी कि ABS दैट इज़ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रेक असिस्ट दैट इज़ BA। सो अगर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात अगर हम करते हैं तो इसमें एयर कंडीशनर जो है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, रियर सीट जो है वो वेंट्स मिलते हैं आपको, और इसमें जो पावर आउटलेट्स है वो 2 मिलते हैं, एक फ्रंट रो में ड्राइवर साइड के पास यानी कि लेफ्ट साइड में बीच में, और जो दूसरा है वो आपको रियर AC वेंट्स के साथ दूसरा पावर आउटलेट मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जो है वो टिल्ट है बस टेलीस्कोपिक नहीं है, जो कि अगर इम्प्रूव हो सकता था तो काफ़ी अच्छा हो सकता था, जो कि गाड़ी जो कि ड्राइवर को काफ़ी इसमें अच्छा लगता। सो कीलेस स्टार्ट जो है वो कीलेस स्टार्ट और बटन स्टार्ट इसमें दिया गया है, जो कि एक नया फीचर है, और हेडलाइट ऑफ और इग्निशन ऑफ की ऑफ रिमाइंडर इसमें दिया गया है। पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो इसमें सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं विद रिवर्स कैमरा, यानी कि इसमें जो जो एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें एकदम से, तो इसमें डिस्प्ले जो है वो आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको GPS नेविगेशन एंड USB कंपैटिबिलिटी, AUX, ब्लूटूथ एंड मैनी मोर थिंग्स इसमें आपको दी जाती है, और इसमें काफ़ी बढ़िया फीचर जो है वो वॉइस कमांड फीचर, जो कि आजकल की इन गाड़ियों में जैसे कि डिज़ायर है, ये है, एस्पायर है, और काफ़ी सारी गाड़ियों में ये वॉइस कमांड सिस्टम डाला जा रहा है। सो अगर हम बात करते हैं कि इसमें सीट्स एंड अपोजिट्री किस टाइप की है, तो सीट अपोजिट्री जो है वो फैब्रिक मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है, जो कि अगर बेहतर होता लेदर में होता तो गाड़ी में कम्फर्ट और कन्वीनियंस की तो बात ही कुछ और होती। सो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है उसको तो लेदर रैप किया गया है, साथ ही साथ इसकी सीट अपोजिटी जो है वो फैब्रिक है। सो रियर पैसेंजर सीट जो है वो बेंच रहती है, और साथ ही साथ जो इसका इंटीरियर है वो ड्यूअल टोन रहता है, यानी कि बेज ब्राउन टाइप और या फिर वाइट। सो अगर हम बात करें कि इसके
प्राइस विद वेरिएंट्स के बारे में, तो इसमें पेट्रोल वेरिएंट्स में मैनुअल में काफ़ी अच्छी रेंज आपको मिलती है, यानी कि 5.5 लाख से लेकर 7.67 लाख तक ये रेंज जाती है। अगर हम बात करें कि पेट्रोल में ऑटोमेटिक वेरिएंट्स कितने रहते हैं, तो उसमें एक ही वेरिएंट आपको मिलता है जो कि 7.24 लाख का मिलता है, और उसका इंजन सीसी जो है वो आपको 1200 cc मिलता है, और इसमें आपको 16.1 km/l का एवरेज आपको मिलता है। सो अगर डीजल की बात करें तो डीजल में ऑटोमेटिक वेरिएंट यहाँ पर नहीं दिया गया है, पर डीजल में अगर मैनुअल वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें 5 वेरिएंट्स दिए गए हैं जो कि 6.41 लाख से शुरू होकर 8.58 लाख तक जाते हैं। सो इसमें टोटल 11 से 15 वेरिएंट आते हैं, जिसमें कि आपको दो तरह के इंजन, दो तरह की ट्रांसमिशन और दो फ्यूल ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी। सो अगर हम बात करें कि इसके लास्ट जो हम बात करने वाले थे, जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट था, तो इसका डीजल के लिए एस्टिमेटेड सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो नेक्स्ट 6 ईयर्स तक के लिए दिया गया है 18,210 rupees एज द कंपनी हैज़ गिवन। सो पेट्रोल के लिए अगर देखा जाए तो पेट्रोल के लिए नेक्स्ट 6 ईयर्स का जो कॉस्ट है वो दिया गया है 12,350 रुपये, यानी कि ये भी काफ़ी सस्ता पड़ता है। और पेट्रोल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट्स के लिए ये दिया गया है 13,531 रुपये, यानी कि ये तो इससे भी सस्ता है। तो गाइस, मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपको कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए कि नहीं, तो ये गाड़ी बेस्ट है। अगर आप फैमिली के लिए लेना चाहते हैं तो ये गाड़ी एकदम बढ़िया है, पर अगर आपको फीचर्स के लिए और फैमिली के लिए और जैसे आपको थोड़ा बहुत हाईवे पे जाना है, इफ़ यू लाइक टू गो नियरर प्लेसेस, तो आपके लिए डिज़ायर भी एक डिज़ायर 2017 भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में उसके बारे में बताया हुआ है और उसके बारे में आपकी स्क्रीन पे अभी तक आ ही गया होगा, और उस वीडियो पे क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं मेरी उस वीडियो पर। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। गाइस, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एंड न्यू वीडियोज़ ऑफ टेक। सो थैंक्स एंड बाय बाय।